चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो एक और अहम मिशन की तैयारी में है। चांद के बाद इसरो अब सूरज के वातावरण की जानकारी के लिए पहला सोलर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस मिशन के जरिए सूर्य के वातावरण की जानकारी इकट्ठा करेगा। हालांकि यह मिशन इतना आसान नहीं होने वाला है। धरती से सूर्य की दूरी 151 मिलियन किलोमीटर यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसरो इसके अलावा मंगलयान 2 और शुक्र ग्रह के लिए भी मिशन की तैयारी शुरू कर रहा है। सूर्य धरती के सबसे नजदीकी तारा है, जिसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण संतुलित रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य इस सौर मंडल का केंद्र है, जिसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इनमें से केवल धरती पर ही जीवन संभव है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रही है, साथ ही अंतरिक्ष के रहस्य को समझना चाह रही है। आदित्य L1 क्यों है नाम? इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 रखा है। इसमें आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची है, जबकि L1 सौर मंडल की वह जगह है जहां से सूर्य को साफ साफ देखा जा सकता है। इसे लॉग रेंज पॉइंट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है सौर मंडल में ऐसे कुल 5 पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। इन पॉइंट्स पर कभी ग्रहण नहीं लगता, यानी इन पॉइंट्स पर कोई भी ग्रह एक दूसरे को ऑर्बिट को इंटरसेक्ट नहीं करता। ऐसे में इस पॉइंट से सूर्य की अच्छी तरह से निगरानी की जा सकती है। L1 पॉइंट पर अंतरिक्ष यान के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ यान के ईंधन की खपत बेहद कम हो जाती है, जिसकी वजह से लंबे समय के मिशन को पूरा किया जा सकता है। भारत का अंतरिक्ष यान आदित्य L1 इस पॉइंट पर पहुंचकर लंबे समय तक सूर्य के वातावरण की निगरानी करता रहेगा। इस पॉइंट की दूरी सूर्य की सतह से करीब 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 को इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए करीब 4 महीने यानी 120 दिन का समय लगेगा। 2 सितंबर को आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो अपने अंतरिक्ष यान यहीं से लॉन्च करता है। इसरो का यह मिशन एक ऑब्जर्वेटरी मिशन है, जिसमें अंतरिक्ष यान सूर्य के नजदीक कक्षा में रहकर उसके वातावरण की स्टडी करेगा। कितने पेलोड्स लगे हैं? आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड्स लगे हैं, जिसका इस्तेमाल करके सूर्य के वातावरण की जांच की जाएगी। ये पेलोड्स हैं विजिबल इमिशन लाइन कोनोग्राफ VELC, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEXS, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL-1OS, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर ASPEX, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA, एडवांस ट्राई एक्सियल आई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स। इसका विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी करने में सक्षम है। वहीं इसके अन्य पेलोड्स फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर इमेजिंग, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजिंग, मैग्नेटिक फील्ड आदि की जानकारियां कलेक्ट कर सकेंगे। इस मिशन के लिए इसरो नई जेनरेशन के PSLV-C57 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करेगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट है, जो तीव्र गति से अंतरिक्ष यान को धरती की कक्षा से बाहर भेज सकता है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जो इसके मुकाबले कम शक्तिशाली था। धरती से चांद की दूरी महज 3.84 लाख किलोमीटर है। ऐसे में यहाँ कम शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके भी पहुंचा जा सकता है। आदित्य L1 यानी भारत के पहले सौर मिशन की परिकल्पना इसरो ने साल 2008 में की थी। पिछले 15 साल से इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन की तैयारी कर रहे हैं।